वाओ बहुत ही भव्य दोस्तों, अभी आप देख सकते हो बिहार का नंबर वन दुर्गा पूजा पंडाल दोस्तों गया में फाइनली अब दोस्तों लोगों के लिए खुल चुका है। कि ये जो है पहली बार गया में खुला है और मुझे इस ये पूरा वैष्णो देवी का एक कॉपी किया गया जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके किया गया। समझिए कि हम लोग वैष्णो देवी को जम्मू कटरा वाला सीन एकदम ही है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस सबसे पहले आप सभी लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। तो गाइस आज नवरात्रि का पहला दिन है और गाइस फिलहाल पूरे बिहार में दोस्तों दुर्गा पूजा तैयारी की पूरा एकदम जोरों तोरे से भाई हो रही है। एकदम बिहार में दोस्तों भव्य इस साल दुर्गा पूजा पंडाल दोस्तों बनाया जा रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग दोस्तों बिहार के गया आ चुके हैं और गया में आपको दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि दोस्तों गया में जो है यहाँ पर वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी के दोस्तों गुफे के थीम पर यहाँ पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है जिसकी लंबाई दोस्तों 1500 फीट होने वाली है। ये जो रोड है दोस्तों गया का दोस्तों टेकारी रोड है और टेकारी रोड में दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है हाथे गोदाम है और हाथे गोदाम में दोस्तों वो दुर्गा पूजा पंडाल भव्य दुर्गा पूजा पंडाल माता का माता वैष्णो देवी के थीम पर दोस्तों बना हुआ है। तो पूरा ईच एंड एवरीथिंग हम उसको दोस्तों एक्सप्लोर करने वाले। आज दोस्तों जो है पंडाल का दोस्तों जो है इनॉग्रेशन होने वाला है आज से, मतलब जो पंडाल है दोस्तों 21वें पंडाल जो खुल जाएगा और पूरे 10 दिनों तक जो लोग है दोस्तों उस पंडाल में पूरा दर्शन करने के लिए आ सकेंगे। तो बहुत ही खास आज की इस ब्लॉग होने वाला है, आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल इंटरेस्ट बने रहिएगा। गाइस चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर से दोस्तों जो पंडाल बना हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी माँ का दरबार जो है पूरी तरह से दोस्तों एकदम भव्य तरीके से पूरा एकदम चकाचक लाइट से दोस्तों पूरा एकदम सज गया है। और भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो क्राउड ही आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा भाई साहब क्राउड है पूरा आप देख लो, बहुत ही ज्यादा संख्या में आज यहाँ पर जो लोग है आए हुए हैं। और बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो बहुत ही भव्य माता का दुर्गा का दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पंडाल यही वैष्णो देवी के तर्ज पर दोस्तों बनाया गया जो कि आप देख ही सकते हो भाई बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो यहाँ पर भाई कितना ज्यादा लोगों के बीच में भाई साहब जोश है, ये कितना जोश है आप लोग दोस्तों बहुत है। पहली बार गया शहर में ऐसा देखने को मिल रहा भाई, यहाँ पर पूरा एकदम भीड़ है। और ये जो आप पंडाल देख रहे हो वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दिया अंदर से कि अंदर से भाई ये जो पंडाल है कैसा होने वाला है। खास आज तो दोस्तों आज इस पंडाल का इनॉग्रेशन होने वाला है और इनॉग्रेशन में भी आज हम आपको दिखाने वाले कि अब जो बना है पंडाल कैसा दिखने वाला है भाई। तो इधर में आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर माता का दोस्तों जो पंडाल है वो होने वाला है और पूरा आप देख सकते हो भाई जो घर है यहाँ पर सभी घर दोस्तों एकदम लाइट से दोस्तों सजा दिया गया है। और बिल्कुल सामने में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है प्रसाद काउंटर बनाया गया है जहाँ से आप जो है प्रसाद वगैरह ले सकते हो यहाँ पर दोस्तों। उधर में जो है पंडाल का मतलब जो है जाने के लिए दोस्तों जो है सहयोग राशि भी आपको लेना पड़ेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप सहयोग राशि ले सकते हो। तो देख लो गाइस यही है यहाँ पर पंडाल में जाने के लिए सहयोग राशि 1100 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो अब दोस्तों आप जो है पंडाल में माता का दर्शन करने के लिए जा पाओगे। और बिल्कुल सामने में यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है माता का यहाँ पर माता दुर्गा का यहाँ पर मंदिर है। देख सकते हो यहाँ पर जो माता वैष्णो देवी का जो पंडाल है दोस्तों गया में बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों थोड़ी देर में जो पंडाल है दोस्तों पंडाल का इनॉग्रेशन होगा और भक्तों के लिए दोस्तों जो पंडाल है खोल दिया जाएगा। तो गाइस देख लो यहाँ पर पूरा यहाँ पर एकदम लंबी कतारें लगी हुई है और लंबी कतार में बच्चे लोग भी हैं। बताइए बच्चे लोग कितना लोग को बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा क्या बात है भाई, बच्चे लोग यहाँ पर फुल एक्साइटमेंट है और बहुत अच्छा। एक बार आप लोग नारा लगाइए जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। तो गाइस फिलहाल अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो भक्त लोग हैं यहाँ पर पंडाल में जाना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल अभी आप देख सकते हो किस तरह से कतारों में भाई घूम घूम कर दोस्तों जो पंडाल में है लोगों को भक्तों को आना पड़ेगा। और बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो भव्य माता का वैष्णो देवी का दोस्तों दुर्गा पूजा पंडाल। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बाण गंगा यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर जो जिस तरह से आप बाण गंगा से होकर आप लोग वैष्णो देवी गुजरते हैं ठीक है, ऐसे आपको माता का दोस्तों जो गुफा है उसमें आपको प्रवेश करना पड़ेगा। मैम बताइए आपको कितना खुशी हो रहा है गया में माँ वैष्णो देवी का दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है हमें और मैं यहाँ की रहने वाली भी हूँ, हमारा भी ब्लॉग आपको YouTube चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग प्लीज क्या कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे आए घूमे यहाँ का माता रानी का दर्शन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैम गया के रहने वाली है और मैम का चैनल भी आप लोग मैम का भी चैनल जरूर सपोर्ट कीजिए।
वाओ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों की जबरदस्त भीड़, लोगों की एकदम लंबी भाई साहब कतारें लगी हुई है भाई एकदम। और थोड़ी देर में दोस्तों जो पंडाल है, पंडाल का ओपनिंग होने वाला है। जय माता दी। काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली आप दोस्तों बिहार का नंबर वन पंडाल अब खुल चुका है लोगों के लिए। फाइनली आप देखो तो यहाँ पर जो लोग हैं अब पंडाल के अंदर जाना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। बिहार का दोस्तों गया में नंबर वन दुर्गा पूजा पंडाल दोस्तों बनाया गया, जो कि दोस्तों ये जो पंडाल है यहाँ पर माता वैष्णो देवी के थीम पर दोस्तों बनाया गया है भाई। ऐसा फिलहाल अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं भाई, यहाँ पर एकदम अल्टीमेट लेवल का भीड़ है। देख लो भाई किस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर पंडाल के अंदर हम लोग जो है भाई एंट्री कर रहे हैं भाई, एकदम भाई एकदम अलग ही लेवल का भाई यहाँ पर जोश है लोगों के बीच में पूरा। यहाँ पर देख सकते हो लाखों के संख्या में भाई साहब यहाँ पर पंडाल के अंदर भाई साहब घुस चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों पंडाल का पहला रुख दोस्तों फाइनल हम लोग आप दिखा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों लोगों के लिए खुल चुका है पूरा ये जो पंडाल है दोस्तों, खुली ऐसी दोस्तों ये जो दुर्गा पूजा पंडाल है बनाया गया है। और ये देखिए पूरा ज्यादा तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप देख सकते हो ये जो पंडाल है कुछ इस तरह से दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर। कितना खुशी है आपको कि ये जो है पहली बार गया में खुला है और मुझे इस ये पूरा वैष्णो देवी का एक कॉपी किया गया है जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके किया गया। तो फिलहाल अभी हम लोग पंडाल के अंदर आ चुके हैं, माँ वैष्णो देवी के पंडाल के गुफे आ चुके हैं, जो कि बिहार का दोस्तों नंबर वन दोस्तों ये जो पंडाल है गया में बनाया गया है। और लोगों के बीच में भाई साहब यहाँ पर जो एकदम अलग ही लेवल का भाई जोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है यहाँ पर शिव भगवान का है। वाओ रियली गजब दोस्तों, अभी आप देख सकते हो बहुत ही भव्य तरीके से भाई इस दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया गया है। और आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर हर जगह भाई यहाँ पर इस पंडाल में दोस्तों AC लगाया गया है हर तरफ पे। तो अभी आप देख सकते हो गया में बिहार का सबसे भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि आप देख सकते हो भाई साहब जो है माता वैष्णो देवी के गुफे की तरह भाई बनाया गया है। फाइनली अब दोस्तों आखिरकार ये जो पंडाल है भाई साहब लोगों के लिए खुल चुका है। और ये जो पंडाल है दोस्तों पूरा 200 दिन भाई साहब नवरात्रि में भाई साहब खुला रहेगा, और जो लोग हैं यहाँ पर 24 घंटा यहाँ पर माता का दोस्तों इस पंडाल का दर्शन कर सकते हैं। और बिल्कुल इधर में आप देख सकते हो भाई साहब जिस तरह से आप जो है वैष्णो देवी आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से होकर भाई साहब आपको यहाँ पर माता के पंडाल में भाई साहब जाना पड़ेगा भाई गजब। बहुत ही भव्य दोस्तों, अभी आप देख सकते हो बिहार का नंबर वन दुर्गा पूजा पंडाल दोस्तों गया में फाइनली अब दोस्तों लोगों के लिए खुल चुका है। और बहुत ही शानदार ये दुर्गा पूजा पंडाल दोस्तों गया में दोस्तों बिहार का होने वाला है, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर जैसे आप आते हो तो यहाँ पर आपको अर्ध कुमारी माता का यहाँ पर दर्शन होने वाला है। जय माता दी, मतलब आप देख लो रास्ते भर में आपको बहुत सारे माता देवी देवताओं का दोस्तों यहाँ पर जो है मूर्तियाँ आपको मिलते जाएगा भाई साहब, गजब का दृश्य है भाई गजब। अगर आप इस गुफे में आते हो, अगर आप इस पंडाल में आते हो, तो आपको ठीक आपको जो है माता वैष्णो देवी का जो रियल जो मंदिर है गुफा है ठीक उसी तरह का भाई साहब यहाँ पर फील आने वाला है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर गणेश जी लक्ष्मी जी का यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है। रियली गजब दोस्तों, अभी आप देख सकते हो बहुत ही शानदार बहुत ही भव्य गया में दोस्तों ओपन हो चुका है बिहार का नंबर वन दुर्गा पूजा पंडाल। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कार्तिक जी सरस्वती जी का दोस्तों यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हनुमान जी का स्थापित किया गया है, मतलब पंडाल के मतलब जहाँ जहाँ आप गुजरेंगे वहाँ वहाँ आपको बहुत सारे देवी देवताओं का दोस्तों आपको जो है कि आप दर्शन करते हुए माता वैष्णो का आप दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है जो मंदिर है मंदिर का यहाँ पर गुम्बद है। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर दोस्तों आपको जो है माता वैष्णो का दर्शन होंगे, बिल्कुल यहाँ पर सामने में आप देख सकते हो यहीं पर आपको माता वैष्णो देवी का दर्शन हो जाएंगे। जय माता दी, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर माता के यहाँ पर तीनों पिंडी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। जिस तरह से आप मतलब वैष्णो देवी में आप लोग माता का दर्शन करने के लिए गुफे में जाते हो ठीक उसी तरह से होकर यहाँ पर आना पड़ेगा और आपको यहाँ पर माता का दोस्तों माता वैष्णो देवी का आपको यहाँ पर दर्शन होगा भाई। बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर गया में? ये साक्षात माँ वैष्णो देवी का स्वरूप है, गुफा है 1500 फीट लंबी गुफा है, उसके बाद दर्शन होगा। सबसे पहले जैसे वैष्णो देवी में दर्शन होते हैं बाणगंगा का, उसके बाद चरण पादुका का, और उसके बाद फिर अर्धकुमारी, उसके बाद फिर माता का दर्शन, और अंतिम अंतिम समय में काल भैरव का दर्शन होता है।
तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर पंडाल के अभी हम लोग अंदर है उस जगह पर है जहाँ पर दोस्तों माता वैष्णो देवी विराजमान है। जो लोगों के बीच में यहाँ पर भाई साहब जो जोश एकदम अलग ही लेवल का एकदम जोश जो है हाई है माता दी। भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इस गुफा में माँ यहाँ पर तीनों रूप में यहाँ पर विराजमान है और जस्ट इसके बगल में आपको यहाँ पर जो है भैरव बाबा का भी दर्शन हो जाएगा। चलिए हम आपको भैरव बाबा का दर्शन कराते हैं। ठीक बिल्कुल यहाँ पर आपको है माता वैष्णो देवी यहाँ पर और बिल्कुल इधर में दोस्तों यहाँ पर आपको भैरव बाबा का दर्शन होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर भैरव बाबा यहाँ पर स्थापित है। जय भैरव बाबा। तो गाइस फिलहाल वहाँ पर आपने माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और यहाँ पर ठीक आप जो है भैरव बाबा का दर्शन कर पाएंगे। हम लोग घूम के आ रहे हैं, समझिए कि हम लोग वैष्णो देवी घूम के एकदम वैष्णो देवी जम्मू कटरा वाला सीन एकदम ही है और एकदम अच्छा लगा कि हम लोग कश्मीर जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और वैष्णो देवी माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। जो लोग जो भक्तगण वैष्णो देवी नहीं जा सकते वो उनके लिए तो बहुत अच्छा कि एक बार यहाँ गया में दर्शन करने आ जाए, वैसा ही फील होगा। जो लोग भी मतलब अगर तक वैष्णो देवी धाम नहीं गए हुए हैं वो यहाँ पर दोस्तों आकर एकदम माता वैष्णो देवी का यहीं से दोस्तों साक्षात माता वैष्णो देवी का दोस्तों दर्शन कर पाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम लोग दोस्तों इस पंडाल से दोस्तों अब हम लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा यहाँ से दोस्तों एग्जिट पॉइंट इस पंडाल का दोस्तों बनाया गया है। यहाँ से जो है आप पूरा आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करके आप यहाँ पर दोस्तों आप बाहर निकल पाएंगे। भाई एकदम रियल आपको इस गुफे के इस पंडाल के अंदर जो है माता वैष्णो देवी का फील होने वाला है। भाई साहब फिलहाल अभी हम लोग दोस्तों गुफे से बाहर निकल के फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ से दोस्तों लोग जो है एंट्री कर पाएंगे। भाई देख लो अभी जो कतार है भाई एकदम बहुत ही ज्यादा दूर तक भाई साहब जो लाइन है भाई साहब हो चुके हैं पूरा। आप देख लो यहाँ तक भाई दूर दूर तक यहाँ पर जो लोग है लाइन में लग चुके हैं माता वैष्णो देवी का दोस्तों दर्शन करने के लिए। तो आपने देख लिया भाई कितना भव्य कितना शानदार दोस्तों माता का पंडाल है गया में दोस्तों बनाया गया है और पूरे बिहार का दोस्तों ये जो दुर्गा पूजा पंडाल है माता वैष्णो देवी का बिहार में दोस्तों नंबर वन होने वाला है। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को हम यही पर एंड करते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द ब्लॉग गाइस। बाय बाय एंड प्रेम से बोलो जय माता दी।